शब्द सार लोक परलोक। मैंने बहुत बार बताया है आपको, लोक का मतलब होता है शरीर, यानी हमारा जो शरीर है वो लोक है, और लोग भी उन्हीं को बोला जाता है, लोग यानी पीपल, उसको भी लोग लोक बोलते हैं। और परलोक जो होता है वो शरीर से परे की अवस्था होती है, यानी जो शरीर से बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी वायुमंडल है या पानी है या पहाड़ है या पेड़ हैं या जमीन है या उससे बनी हुई कोई भी चीज़ है, वो परलोक में आती हैं, यानी जो हमारे शरीर से बाहर की हैं वो परलोक होगी। लोक और परलोक पाली के बहुत प्रचलित और पुराने शब्द रहे हैं, क्योंकि इसी को लोक और परलोक करके जब हम ब्रह्मांड का या यूनिवर्स का कोई नाम जैसे आज की डेट में इसको बोलते हैं, उस समय इसको ब्राह्मण नहीं बोला करते थे, इसको परलोक बोला करते थे, यानी कि लोक से परे, शरीर से आगे, क्योंकि शरीर से बाहर तो अनंत है, फिर आप कहीं तक भी जा सकते हैं, इसलिए इसको परलोक बोलना ज़्यादा अच्छा है। तो लोक हो गया हमारा शरीर, और जैसे ही हमारा शरीर के बाहर हम निकलते हैं तो फिर परलोक आरंभ हो जाता है, यानी कि हमारे मुँह के आगे जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे आगे कैमरा लगा हुआ है, ये भी परलोक का हिस्सा है, ये जो हवा चल रही है ये भी परलोक का हिस्सा है, मेरे शरीर के अलावा, मेरे लोक के अलावा सारी चीज़ परलोक है। बहुत सारे नाम है, जैसे लोकसभा है यानी लोगों की सभा, लोकार्पण है, लोकोक्तियां हैं, लोकगीत, लोक समाचार, लोक संपत्ति, लोकल, लोकपाल, लोकोत्तर, लोकलाज, लोक व्यवहार या लोक व्यवहार, लोकाधिपत्य या लोकाधिपति, लौकिक, लोकानुकंपा, लौकीय, लोकंतु, लोकांत, लोकनायक, लोक विभाग। लोक विभाग तो आप जानते हैं, लोगों का विभाग, जिसको PWD बोलते हैं, पब्लिक, यानी लोक माने जो होता है वो पब्लिक होता है। तो लोक और परलोक बहुत क्लियर हैं, दोनों ही शब्द पाली के हैं, बाद में इन शब्दों को बदलने की कोशिश की गई पर हो नहीं पाए, लोक का लोग हो गया है, मगर परलोक का परलोक नहीं हो पाया, लोक का लोग हो गया मगर परलोक का परलोग नहीं हुआ। ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।